खबरें ताबड़तोड़। मुजफ्फरनगर में टिकट न मिलने से नाराज महिला, कांग्रेस नेता मेहराज कैमरों के सामने फूट फूट कर रोई। प्रियंका गांधी से रोककर लगाई टिकट देने की गुहार। मुजफ्फरनगर कांग्रेस जिला सचिव मेहराज ने जिला पंचायत सदस्य का कांग्रेस से लड़ा था चुनाव। बुलंदशहर में टिकट नहीं मिलने पर गीता रानी शर्मा नाम की कांग्रेस महिला कार्यकर्ता फूट फूट कर रोई। गीता का दावा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं स्लोगन से उम्मीद जगी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। गोरखपुर शहर सीट समाजवादी पार्टी की सुभावती शुक्ला लड़ेंगी चुनाव। सीएम योगी के खिलाफ सपा की सुभावती शुक्ला चुनाव लड़ेंगी। आज ही सुभावती शुक्ला सपा में शामिल हुई। स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी है सुभावती शुक्ला। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर संजय निषाद का बयान, कहा अखिलेश आजमगढ़ में हार के डर से मैनपुरी भाग गए। संजय निषाद ने कहा अखिलेश के खिलाफ चुनाव प्रचार करूंगा, बोले अखिलेश को पिछड़े वोट नहीं देंगे। अखिलेश के करहल से चुनाव लड़ने पर सांसद सुब्रत पाठक का बयान, कहा जीत के बड़े बड़े दावे करने वाले अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है, इसलिए यादव बाहुल्य सेफ सीट करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा अखिलेश कहते थे कि हमने विकास किया, मैंने चुनौती दी, जहां विकास सबसे ज्यादा किया है हिम्मत है तो वहां से चुनाव लड़ो। मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। करहल विधायक ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा था हमने अध्यक्ष जी को करहल से लड़ने का न्योता दिया। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद मान गए हैं इमरान मसूद, सहयोगियों के साथ सपा को दिया समर्थन। सपा आरएलडी के दो और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, रामपुर मनिहारन से आरएलडी के विवेक कांत को टिकट, बिजनौर से आरएलडी के नीरज चौधरी को टिकट। अखिलेश यादव ने चुनावी वादों में जोड़ी एक और कड़ी, कहा सरकार बनते ही 2005 से पहले की पेंशन व्यवस्था को फिर से करेंगे बहाल। सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी व्यवस्था, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यश भारती सम्मान और नगर भारती सम्मान को भी शुरू करने का वादा किया। नगर के उत्कर्ष समाज सेवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, खिलाड़ियों के साथ ही नौकरी रोजगार सृजित करने वाले कारोबारियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए व अन्य सेवाओं में उत्कर्ष कार्य करने वाले प्रोफेशनल लोगों को भी राज्य और नगर के स्तर पर ये सम्मान पत्र। अखिलेश यादव ने परिवारवाद के आरोप को लेकर भाजपा पर किया जुबानी हमला, कहा सपा किसी के घर में नहीं करा सकती लड़ाई। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा। सीएम योगी के खिलाफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने ठोकी ताल, गोरखपुर सदर सीट से लड़ेंगे चुनाव। मथुरा की माठ सीट पर तेज हुई सियासत, रालोद प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद सपा प्रत्याशी संजय लाठर ने किया नामांकन। माठ सीट पर बसपा का 8 बार से कब्जा, बसपा ने फिर श्याम सुंदर शर्मा को प्रत्याशी बनाया। तौकीर रजा की बहू निदा खान का आरोप, का अपने घर के मामलों को अभी तक निपटा नहीं पाए। निदा ने कहा मैं उनके घर की बहू बनी और मेरे साथ नाइंसाफी हुई, कहा 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया, तब तौकीर ने नहीं की मदद। दिल्ली के निर्भया मामले की वकील रही सीमा कुशवाहा ने भी राजनीति में रखा कदम, बहुजन समाजवादी पार्टी में हुई शामिल। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सीमा कुशवाहा को दिलाई पार्टी की सदस्यता। लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, जमकर नारेबाजी।
कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का प्रचार का अनूठा अंदाज, टी स्टॉल पर खुद ही चाय बनाकर लोगों को पिलाई। अपने चुनाव क्षेत्र प्रयागराज की शहर दक्षिणी सीट पर लोगों से मुलाकात के दौरान मंत्री फुटपाथ पर लगे टी स्टॉल पर खुद चाय बनाते नजर आए। यूपी के लिए कल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा दोपहर 12 बजे घोषणा पत्र जारी करेंगे। भाजपा ने कांग्रेस सपा को दिया बड़ा झटका। कांग्रेस की पोस्टल गर्ल प्रियंका मौर्य भाजपा में शामिल, तो मुलायम सिंह यादव की साढ़ू प्रमोद गुप्ता ने भी कमल थामा। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। 41 प्रत्याशियों में से 16 महिलाओं को मिला टिकट। पहली लिस्ट में 125 प्रत्याशियों में से 50 महिलाओं को दिया गया था टिकट। छाता से पूनम देवी, मार्ट से सुमन चौधरी प्रत्याशी। आगरा कैंट से सिकंदर वाल्मीकि को बनाया प्रत्याशी। सहारनपुर नगर से सुखविंदर कौर और कैराना से हाजी अखलाक को चुनावी मैदान में उतारा गया। भाजपा ने अपर्णा यादव और संगमित्रा को बनाया पोस्टर गर्ल। महिलाओं की सुरक्षा से जोड़कर चुनाव प्रचार की तैयारी। पोस्टर में लिखा सुरक्षा चक्र सुरक्षा, जहां बेटियां वहां। पोस्टर में अपर्णा यादव और संगमित्रा मौर्य की तस्वीर। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को अपनी सीट से चुनाव लड़ने का न्योता दिया। कहा जहूराबाद से चुनाव लड़े अखिलेश, कम से कम 70,000 वोटों से जिताएंगे। हम तो चाह रहे हैं कि हमारे जहूराबाद चल के लड़ाए, कम से कम 70,000 से जितवाएंगे जहूराबाद में। हमको भी कम से कम एक मुख्यमंत्री मिल जाएगा हमारी विधानसभा को। ऑफर कर रहे हैं कि आप अपनी सीट से अखिलेश जी आके बोला हमें, हम स्वागत करते हैं। चला तैयार कहा बन से 2 बजे चला जहूराबाद हुई लड़ा चाम के, और वहाँ कम से कम 70,000 से हम अकेले जीतो। जेवर से अवतार सिंह फड़ाना नहीं लड़ेंगे चुनाव। वकील ने कोरोना होने के कारण चुनाव नहीं लड़ने की कही बात। जेवर सीट सवार आलोद गठबंधन के प्रत्याशी थे अवतार सिंह फड़ाना, लेकिन अब उन्होंने जेवर से लड़ने का ट्वीट करके ऐलान किया है। टीटी परीक्षा को लेकर सीएम योगी के निर्देश, फिर से पर्चा लीक जैसी घटना हुई तो स्वीकार नहीं। डीएम बीएसए परीक्षा केंद्र प्रभारी, सभी की जिम्मेदारी होगी। 23 जनवरी को होनी है टीटी की परीक्षा। कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थियों को भी यूपी टेट परीक्षा देने की अनुमति। अभ्यर्थियों के लिए होगी अलग व्यवस्था, अलग कमरे में परीक्षा देंगे कोरोना संक्रमित अभ्यर्थी। बरेली में भाजपा नेताओं ने उड़ाई चार संगीता की धज्जियां। साहू समाज के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और भाजपा प्रत्याशियों ने की शिरकत। कार्यक्रम में करीब 1,000 लोग भी पहुंचे। उत्तराखंड चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की पहली लिस्ट। 70 में 59 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया। आचार संहिता उल्लंघन को चुनाव आयोग सख्त। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह जुफाल पर केस दर्ज। सीएम धामी की पत्नी गीता धामी समेत 6 अन्य नेताओं को नोटिस। कई विधायकों को भी नोटिस देकर जवाब तलब। पेयजल मंत्री बिशन सिंह जुफाल का बयान। कहा चुनाव में डीडीहाट जिले का गठन कोई मुद्दा नहीं। हरीश रावत पर भी साधा निशाना। कहा कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के 2 महीने पहले जिले की याद आती है। रायबरेली सदर की विधायक अतीत सिंह का इस्तीफा। विधायक पद और कांग्रेस दोनों से इस्तीफा दिया। जल्द जारी होगा उत्तराखंड भाजपा का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र के लिए बनी भाजपा की कमेटी ने संकल्प पत्र के लिए आम जनता समेत सभी मंत्रालयों से मांगे सुझाव। कटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लड़ेंगे चुनाव। मदन कौशिक को हरिद्वार से चुनावी मैदान में उतारा। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का टिकट फाइनल होने पर पूरी विधानसभा में मतदाताओं में खुशी। लालढांग में स्वामी यतीश्वरानंद का कार्यकर्ताओं ने फूल माले पहनाकर स्वागत किया। धारचूला से धन सिंह धामी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। धन सिंह धामी ने राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व का आभार जताया। खानपुर से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का कटा टिकट। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में लगाया भाजपा और कांग्रेस की विदाई के लिए डिजिटल काउंटडाउन। डिजिटल क्लॉक के जरिए दिखाया भाजपा और कांग्रेस को उत्तराखंड में कितने दिन बचे। प्रतापगढ़ जिले में नहीं थम रहा है पत्रकारों पर हमला। पत्रकार की पिटाई का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने। जमीनी विवाद के कवरेज के दौरान पत्रकार को पीटा गया, बाइक और मोबाइल तोड़े। पीड़ित पत्रकार शिवेंद्र त्रिपाठी ने पुलिस को तहरीर नवाबगंज थाने में दी। कश्मीर सीमा पर तैनात औरैया के भत्तिया गांव के रहने वाले फौजी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर परिवार के लिए मांगी सुरक्षा। दबंग शिवमंगल सिंह से परिवार को बताया जान का खतरा। दबंग शिवमंगल सिंह पर हत्या और बलात्कार जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज।
देश में कोरोना ने तोड़ा 8 महीने का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में सामने आए 317,532 नए केस, 491 लोगों की मौत, 223,990 लोग डिस्चार्ज। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामले 19,24,051, अब तक 223,990 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत, अभी तक 3,58,07,029 लोग रिकवर। बीते दिन देशभर में 73,38,592 दी गई डोज, वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़कर हुआ 159,67,55,879। बाराबंकी में रामलीला पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में बार बालाओं के डांस पर उड़ाए गए नोट, नाच गाने के दौरान जमा भीड़ ने कोविड नियमों की दमकर धज्जियां उड़ाई। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार पांडे हुए कोरोना संक्रमित, खुद को घर में आइसोलेट किया। प्रयागराज में कोरोना के 444 नए मामले। टिहरी के जिला अस्पताल बौराड़ी में हेल्थ टीम के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से वैक्सीनेशन का काम बंद। जिला अस्पताल बौराड़ी में वैक्सीनेशन सेंटर में एएनएम और डेटा एंट्री ऑपरेटर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे लोगों को हो रही है दिक्कत। जल्दी ओपन मार्केट में मिल सकती है कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने दोनों वैक्सीन को बाजार में बेचने की सिफारिश की। स्कॉटलैंड में वैज्ञानिकों के समूह ने कोरोना का पता करने का किया एक नया प्रयोग। अब एक्सरे के जरिए पता किया जा सकेगा मरीज कोरोना से पीड़ित है या नहीं, 5 से 10 मिनट में रिजल्ट मिलेगा। फिरोजाबाद में 1 लाख के इनामी हिस्ट्रीसीटर बदमाश राजेंद्र गुड्डू से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल, पहले कर चुका है सिपाही की हत्या, 30 मुकदमों में वांछित था। कानपुर देहात में दरिंदे ने 10 साल की मासूम को बनाया अपनी हवस का शिकार, जिला अस्पताल में बच्ची का चल रहा इलाज, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर में खुदाई के दौरान पीएनजी गैस पाइपलाइन फटने से हड़कंप, पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत के लिए जेसीबी से की जा रही खुदाई, सूचना के बाद पीएनजी गैस प्लांट से बंद कराई गई सप्लाई। रायबरेली में कच्ची शराब के खिलाफ एक्शन में आबकारी विभाग, छापेमारी में 95 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 800 किलो लहन नष्ट किया गया। हरिद्वार जिला प्रशासन ने नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी की, कलेक्ट्रेट भवन में सभी 11 विधानसभाओं के लिए नामांकन रूम बनाए गए, डीएम ने सभी नामांकन रूमों को देखा और व्यवस्थाओं का हाल जाना। रायबरेली में कच्ची शराब के खिलाफ एक्शन में आबकारी विभाग, छापेमारी में 95 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। पौड़ी में नामांकन प्रक्रिया की सभी तैयारियां पूरी, नामांकन परिसर में बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गाजीपुर में आगामी चुनाव को लेकर विशेष व्यवस्था, आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में अब तक 5 मुकदमे किए जा चुके हैं दर्ज, महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने पर बनाए जाएंगे 2 स्पेशल महिला बूथ। दल बदलों ने बढ़ाई भाजपा की परेशानी, कांग्रेस से भाजपा में आई सरकार और हेम आर्ग नैनीताल से टिकट के लिए ठोकी ताल, बोले पार्टी ने भरोसा जताया तो जीत हमारी होगी। जोशीमठ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी जारी, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित कई पर्यटक स्थलों में गिर रही बर्फ, चारों तरफ बिछ चुकी है बर्फ की चादर। उत्तरकाशी में मौसम ने बदली करवट, रात भर हुई रिमझिम बारिश, तापमान में भारी गिरावट, आसमान में छाए घने बादल। पिथौरागढ़ में सुबह सुबह आसमान में छाए बादल, मौसम विभाग ने निचले इलाकों में बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी की दी है चेतावनी। हल्द्वानी में मौसम बदलने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज, घने कोहरे से ठंड में हुआ और इजाफा। बद्रीनाथ धाम में गिरी बर्फ, बर्फबारी की तस्वीर आई सामने, हर तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ। यूपी के हाथरस शहर में जलने वाले अलाव के दावे फेल, सार्वजनिक स्थान पर अलाव जलाने के दावे की निकली हवा, खाकी वर्दी, भारी ठंड दूर करने के लिए अपनी साइकिल पर जलती हुई लकड़ियां लाते नजर आए। यमुना घाटी में दिव्यांगजन मतदाता जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन, दिव्यांगजनों को निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान के प्रति किया जागरूक। आगरा में सड़क पर ठीक न करने को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, सड़क में गड्ढों की वजह से जलभराव, आए दिन हो रहे हादसों से परेशान ग्रामीण, चुनाव बहिष्कार का ऐलान। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को बताया सही, कहा पीजी यूजी ऑल इंडिया कोटे में 27% ओबीसी आरक्षण मान्य, केंद्र को आरक्षण के लिए कोर्ट की अनुमति की जरूरत नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में समारोह को संबोधित किया, कहा हमारे और राष्ट्र के सपने एक होने वाला नया सवेरा। पीएम ने कार्यक्रम में कहा कि कितना भी अंधेरा छाए भारत मूल स्वभाव नहीं छोड़ता, हमारी प्रगति राष्ट्र की प्रगति में निहित, राष्ट्र का अस्तित्व हमसे है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है।
अरुणाचल प्रदेश के युवक के लापता होने के बाद हरकत में आई मोदी सरकार। भारतीय सेना के स्थानीय कमांडर ने हॉटलाइन पर चीनी सेना से किया संपर्क। युवक का नाम मिराम तारून, भाजपा सांसद का आरोप, चीन ने अपहरण किया। राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश के युवक के अपहरण को लेकर सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, हम मिराम तारून के परिवार के साथ, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, पीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की हो सकी की पोस्टिंग। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश, जम्मू कश्मीर के आईपीएस अधिकारियों की भी दिल्ली में हो सकती है तैनाती। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ बाजार। 634 अंकों की गिरावट के साथ 59,464 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 181 पॉइंट लगकर 17,757 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। गुरुवार को एक बार फिर बढ़े सोने चांदी के दाम। 370 रुपए की तेजी के साथ 48,620 रुपए पर 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोना। बुधवार को 48,250 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं 847 रुपए की तेजी के साथ 64,404 रुपए प्रति किलो पर पहुंची चांदी। एसबीआई की बजट पूर्व रिपोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में कहा कि बजट में राजकोषीय घाटे को 0.4% से ज्यादा घटाने पर जोर न दिया जाए। इकोनॉमी को अभी और सपोर्ट की जरूरत। बजट में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से होगा नुकसान। नए दिन की शुरुआत उर्फी जावेद नए लुक के साथ करती हैं। उर्फी ने एक बार फिर फैंस के साथ शेयर की लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें। पति राहुल नागल को याद कर भावुक हुई कुंडली भाग्य फेम श्रद्धा आर्या ने इंस्टाग्राम पर रोमांटिक फोटो शेयर कर लिखा, दूरी सही जाए ना। आपको बता दें 16 नवंबर को श्रद्धा की शादी नेवी ऑफिसर से हुई थी। मालदीव में दोनों हनीमून मनाया था। पॉपुलर एक्टर श्वेता तिवारी भले ही 41 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। खुद एक्ट्रेस ने बताया अपने फिट दिखने का राज। श्वेता तिवारी ने अपने टोन फिगर को लेकर कहा, यह सिर्फ एक फिट बॉडी नहीं है बल्कि लाइट, कैमरा एंगल और पोज भी। परिणीति संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल में रणबीर कपूर के अपोजिट और सूरज बड़जात्या की ऊंचाई में अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर और बोमन ईरानी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगी। परिणीति ने कहा, मैं एक ही साल में संदीप रेड्डी वांगा और सूरज बड़जात्या सर के साथ काम कर रही हूं, जो मेरे लिए अविश्वसनीय है। एक्ट्रेस वाणी कपूर फिल्मों में चुनौतीपूर्ण भूमिका करना चाहती है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी में आयुष्मान खुराना के साथ वाणी कपूर ने ट्रांस गर्ल का रोल प्ले किया था। वाणी फिल्म में अपने किरदार को लेकर काफी सुर्खियों में। दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी को गुजरे 3 साल के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उनके पति और फिल्मेकर बोनी कपूर अक्सर उन्हें याद कर भावुक हो जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने एक पोस्टर शेयर कर गुजरे दिनों को याद किया है, जिसमें श्रीदेवी की पीठ पर बोनी का नाम लिखा है। यह तस्वीर दुर्गा पूजा के दौरान की है।